नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। और मित्रों, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, जैसे कि है ना कि वे पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले डोब्रेनर का त्रिक नियम, फिर पढ़ा था अपन ने डोब्रेनर के त्रिक नियम के बाद में जैसे लोथर मेयर का है ना वक्र जो परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य बनाया था। फिर पढ़ा था मित्रों अपने लोथर मेयर के वक्र के बाद में जैसे न्यूलैंड का स्टक नियम, और उसके बाद में पढ़ा था मेंडलीव की आवर्तसारणी, और फिर पढ़ रही थी मित्रों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको ये बताना वाला हूँ, जैसे आपको कोई तत्व दे दिया गया, ठीक है, कोई भी तत्व आपको यदि दे दिया गया है ना, अब उस तत्व के अंदर आपको तीन चीजें पूछ सकता है वो, है ना। जैसे कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट दे दिया, ठीक है, उस तत्व के बारे में ये तो आपको ये पूछे कि ये तत्व किस आवर्त का है, ठीक है, या मित्रों आपको ये पूछे कि ये तत्व कौन से वर्ग का है, और या फिर आपको तीसरे नंबर पर ये पूछे कि ये तत्व कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। ब्लॉक चार है, मैं चारों ब्लॉकों की बात करूंगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन पेपर सेटर पूछ सकता है। देखो मित्रों, जैसे एक एग्जांपल देखना, जैसे मित्रों है ना, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, देखो आपको हमेशा क्या लर्न रखना है मित्रों, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों, जैसे अपना जो 18वां वर्ग होता है ना, उसका मैं एक बार तत्व बता रहा हूँ वो कौन कौन से तत्व हैं, हालांकि मैं पूरा पी ब्लॉक अच्छे से समझाऊंगा आपको, अभी आज ही की क्लास में हम बात करेंगे। जैसे मित्रों हमारा है मतलब 18वां वर्ग है, मतलब हीलियम है, याद करने का है ना क्रम है, हे नेता और कर्मचारी जीमते रहना, ये हमारा मित्रों है ना जीरो ग्रुप एलिमेंट्स अपने, ठीक है। अब मित्रों इसमें ये हीलियम कितने नंबर पर आता है, ये हीलियम आता है मित्रों एक नंबर, ओ सॉरी हाइट दो नंबर पर, और नियोन कितने पर आता है, दस पर, ऑर्गन कितने पर आता है मित्रों है ना, ये आता है 18 पर, ठीक है। और मित्रों क्रिप्टोन कितने पर आता है, ये आता है 36 पर, और मित्रों ये कितने पर आता है, ठीक है, ये आता है जिनोन आता है 54 पर, और इसमें 32 और जोड़ने पर रेडोन आता है मित्रों 86 पर, ठीक है। अब इधर ध्यान देना मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ जीरो ग्रुप एलिमेंट या आखिरी है ना एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये होता है। अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या था मित्रों, हमारा ये था कि हमें इन तीन चीज के बारे में पहचाना है कि तत्व कौन से आवर्त का है, तत्व कौन से वर्ग का है, और कौन से ब्लॉक का है। अब सुनना मित्रों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ उससे बताऊंगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मित्रों है ना, एग्जांपल आपसे पेपर सेटर ये पूछ ले कि आपको मैंने दे दिया कॉपर तत्व, कौन सा तत्व दे दिया मित्रों, कॉपर, और ये पूछे कि कॉपर कौन से तत्व, मतलब कॉपर कौन से तो आवर्त का तत्व है, कौन से वर्ग का है, कौन से ब्लॉक का है। अब मित्रों मैंने आपको है ना, और है ना जैसे एटॉमिक जो नंबर है वहां पर मैंने आपको ठीक है बताया भी था, एक से लेकर के 30 तक के तत्व तो आपको हूबहू याद भी होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने वहां समझाया है, ठीक है, तो वो चीजें तो शायद आपको याद भी होगी। अब मित्रों यदि कॉपर की बात करें और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट समझा रखा आपको मित्रों। कॉपर का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यह आता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, ठीक है, 3d10, 4s, ठीक है, 4s2, ठीक है। देखो मित्रों ये 4s आगे क्यों गया, ये n प्लस l के नियम के आधार पर आगे गया है। अब एक बार ध्यान देना मित्रों, ये कॉपर का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर कितने नंबर पर आता है मित्रों, 30 नंबर पर आता है, तो दो और दो कितने होंगे, चार, चार और छह कितने होंगे, दस, दस और दो कितने होंगे, बारह, बारह और छह कितने होंगे, अठारह, अठारह और दस कितने होंगे, अट्ठाईस। ये मित्रों कॉपर का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि यह कौन से आवर्त का होगा। तो मित्रों देखो ये देखना आप, पहला इलेक्ट्रॉन कौन से है ना किस में गया, 1s में गया, फिर दूसरा किस में गया, दूसरे उपकोष में है ना, 2s 2p में है ना, दूसरे कोष में, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3s 3p है ना इसमें गया, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया मित्रों है ना, 4s में गया, ठीक है। तो मतलब n का मान जो मैक्सिमम होता है वह क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। क्या कह रहा हूं मित्रों मैं,
है ना, ये क्या है मित्रों, एन कोस के मान ही तो है, तो एन का मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम मान आवर्त संख्या को बताता है। मैक्सिमम मान किसको बताता है मित्रों, आवर्त संख्या को बताता है, किसको बताता है, आवर्त संख्या को बताता है। क्या कहा है मैंने, एक बार वापस ध्यान देना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं एन का जो मैक्सिमम मान होता है ये किसको बताता है, आवर्त संख्या को। अब जैसे ये कॉपर तत्व का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, या एन का मैक्सिमम मान कितना है मित्रों, आप बोर्ड पर देखो चार है, कितना है चार, तो मित्रों ये एन का मैक्सिमम मान आवर्त संख्या कहलाता है। तो कॉपर का कौन सा आवर्त का तत्व है, कॉपर है आवर्त संख्या चार का तत्व है, कौन सा है मित्रों, आवर्त संख्या चार का तत्व है। यदि आपसे ये पूछे वर्ग कौन से वर्ग का तत्व है, क्या पूछे कौन से वर्ग का तत्व है, तो मित्रों एक चीज ध्यान देना आप, ठीक है, अब मुझे ये बताना कॉपर का मतलब है ना, कॉपर कितने नंबर पर आता है मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कॉपर है ना 18 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इधर ध्यान देना 18 से ज्यादा है, ठीक है, हमेशा इनको ध्यान में रखकर ये बनाना है। तो मित्रों 18 से कितना ज्यादा है, 12, जितना ज्यादा होगा वही वो उसका क्या होगा, वर्ग होगा, तो 12 ज्यादा है तो कॉपर का वर्ग कौन सा होगा मित्रों, 12। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है ये पहचानने की, ठीक है, आगे वापस दूसरी स्लाइड पर अच्छी से और बताऊंगा 12। अब बात करें ब्लॉक की, किसकी बात करें, ब्लॉक की बात करें, है ना, कि कौन से ब्लॉक का तत्व है या खंड कौन से खंड का तत्व है, तो मित्रों अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश करता है वही क्या कहलाता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन मित्रों इस डी में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है, डी में प्रवेश करता है, जो कि हम आगे वापस से देखेंगे। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, तो इसका जो ब्लॉक है वो हो गया मित्रों डी ब्लॉक, कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या समझाया है, अभी पूरी चीजों को थ्योरिटिकल अच्छे से व्यवस्थित करने वाला हूं। मैंने आपको ये कहा है मित्रों किसी भी तत्व का आवर्त वर्ग और ब्लॉक पहचानने के लिए हम क्या करते हैं मित्रों, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और फिर मित्रों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है, और एन का मैक्सिमम मान मित्रों आवर्त संख्या को बताता है, और मित्रों है ना अपन को वर्ग पहचानने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उससे है ना, जैसे अपने पास 30 नंबर का तत्व है, ठीक है, तो अपन इधर इन पर जाएंगे अक्रिय गैसों वालों पर, और 30 से है ना या तो कम वाले को देखेंगे या ज्यादा वाले को देखेंगे, ठीक है, तो इससे कम वाला कितना है, जैसे 18 नंबर का तत्व है ना, अपन ने देख लिया, अब इसमें कितने जोड़े कि ये 30 बन जाए, तो क्या 12 जोड़ना पड़ेगा, तो जितने जोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। और मित्रों अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह क्या कहलाता है मित्रों, वो कहलाता है ब्लॉक, और मित्रों अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें डी उपकोष में जाता है, तो ये क्या कहला, कौन से ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इन चीजों के बारे में चर्चा करता हूं, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, एक एक चीज अब अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास है मित्रों है ना, जैसे कोई तत्व है, ठीक है, और माना कि आपके पास तत्व है ना, जैसे अपन फॉस्फोरस लेते हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों फॉस्फोरस किस है ना, किस है ना, तीन चीज बताएंगे फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस किस है ना, जैसे फॉस्फोरस किस आवर्त कोमा वर्ग तथा ब्लॉक, और ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं खंड, चार ब्लॉक होते हैं SPDFA, ठीक है, पी फॉस्फोरस किस आवर्त कोमा वर्ग तथा ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब ध्यान देना मित्रों, अब मैं इसको सोल्व करता हूं, अब देखो ध्यान देना आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना, मैं ये कह रहा हूं इस फॉस्फोरस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो मित्रों, ये 15 नंबर पर फॉस्फोरस होता है, कितने नंबर पर होता है मित्रों, 15 नंबर पर, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p, ठीक है, दो और दो कितने हो गए, 4 और 6 10 2 12, और 3p क्या आएगा मित्रों, 3 आएगा, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मित्रों आपको आवर्त बताना है, तो आवर्त क्या होता है, एन का मैक्सिमम मान आवर्त कहलाता है, क्या कहा है मैंने मित्रों आपको, एन का
मैक्सिमम मान आवर्त कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब n का ये देखो मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस देखो और इसमें ये बताओ n का मैक्सिमम मान कितना है। देखो ध्यान दो, तीन है। कितना है? तीन है। तो मित्रों फॉस्फोरस किस आवर्त का तत्व होगा? मैं ये लिख रहा हूं, फॉस्फोरस का आवर्त कौन सा होगा? मित्रों फॉस्फोरस ये आवर्त संख्या, फॉस्फोरस का आवर्त तीन होगा, तीसरे आवर्त का तत्व है। अब बात करें फॉस्फोरस का वर्ग कौन सा होगा, तो मित्रों फॉस्फोरस का वर्ग कैसे पहचानेंगे? मैंने अभी आपको समझाया है कि मित्रों फॉस्फोरस कितने नंबर पर है? 15 पर। आपको क्या करना है? आपको वही ये सारणी लिखनी है, हे नेता और कर्मचारी जीवते रहना, अक्रिय 18 वर्ग लिखना है। अब मित्रों ये कितने पर होता है? 2 पर। ये कितने पर? 10 पर। ये कितने पर? 18 पर। ये कितने पर? 36 पर। हे नेता और, है ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया, हे नेता और कर्मचारी क्रिप्टोन आता है 36 पर, और फिर आता है नेता और कर्मचारी जीवते रहना, ठीक है, रेडोन ये आता है मित्रों 32। जोड़ो इसमें कितना आता, वो सॉरी है ना 36 है ना, और ये आता है 54, और इसमें जोड़ो 32 तो ये आता है 86। अब मित्रों ये है 15, ठीक है, कितना है? 15। अब ध्यान देना है ना, यदि हम बात करें मित्रों तो है ना फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? फॉस्फोरस की, है ना। तो इससे ऊपर वाला तत्व देख लो, है ना, जैसे 18 है। अब 18 से कितने कम है फॉस्फोरस? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है, है ना। 18 से कितना कम है मित्रों? 3 कम है, ठीक है। तो मित्रों ये कितने नंबर पर होगा, है ना, 15। देखो थोड़ी सी पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बीच में क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूं मित्रों, जो डी ब्लॉक होता है ना, अभी ब्लॉक नहीं समझाया तब ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक है ना, उसके अंदर मित्रों जो तत्व होते हैं वो पहले आवर्त में कोई तत्व नहीं होता, दूसरे में भी कोई तत्व नहीं होता, तीसरे भी कोई तत्व नहीं होता है, है ना। तो मित्रों है ना, जैसे डी ब्लॉक के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डी ब्लॉक चौथे आवर्त से चालू हो रहा है, ठीक है, इस वजह से हमें ये दिक्कत आती है। तो मित्रों यहाँ है ना, ये इसका वर्ग कौन सा होगा फॉस्फोरस का? तो ये वर्ग होगा इसका कौन सा होगा मित्रों? ये वर्ग होगा अपना 15वां वर्ग। कौन सा होगा? 15वां वर्ग होगा, है ना। और यदि बात करें मित्रों इसका डी फॉस्फोरस का ब्लॉक, किसकी बात करें? ब्लॉक। तो इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है? तो मित्रों देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 1s पहला क्या है मित्रों? पहला कोष है। ये कौन सा कोष है मित्रों? दूसरा कोष है। ये कौन सा कोष है? तीसरा कोष है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, लेकिन अभी 3 ही है। तो मित्रों इसका ब्लॉक क्या होगा? p ब्लॉक होगा। ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। अब मित्रों देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में, तो इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। क्या कह रहा हूं मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अच्छा मित्रों अब मैं ये कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। अब इन पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा किसने? तो मित्रों ये मैं ये कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बोहर ने बांटा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को बोहर ने 4 खंडों में बांटा। कितने खंडों में बांटा? 4 खंडों में विभाजित किया, ठीक है। और मित्रों वो 4 खंड कौन कौन से हैं वो देखो मैं आपको बताऊं। वो 4 खंड है मित्रों, एक तो एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है मित्रों? है ना, एक तो है एस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा है मित्रों पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और तीसरा ब्लॉक है मित्रों डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक। और चौथा जो ब्लॉक है वो है मित्रों एफ ब्लॉक। कौन सा है? एफ ब्लॉक। देखो क्या कहा मैंने, पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कितने खंडों में बांटा गया है? 4 खंडों में बांटा गया है। पीरियोडिक टेबल को ये 4 खंडों में किसने बांटा है? बोहर ने बांटा है। और ये 4 खंड कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक है,
पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है। एक बार मित्रों हर एक तत्व मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में वर्ग आवर्त वापस एक बार वो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे ताकि और भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वहां, क्योंकि अभी तक ये नहीं पढ़ाना अपन ने। अब सबसे पहले मैं एस ब्लॉक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना मित्रों, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में मित्रों, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक। मित्रों मैं ये कह रहा हूं एस ब्लॉक जो होता है उसमें कितने वर्ग आते हैं, उसमें वर्ग संख्या एक और वर्ग संख्या दो इंक्लूड होती है। अच्छा, एस ब्लॉक कितनी आवर्तों में है मित्रों, वो पहले से लेकर सातवीं आवर्त तक है। और मित्रों एस ब्लॉक किसको कहते हैं, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश करता है तो वह तत्व किसका होगा मित्रों, एस ब्लॉक का होगा। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो होता है NS122 होता है मित्रों, ठीक है। मैंने कुछ बातें बताई हैं वो सुनना मित्रों, एक एक बात मैं लिखता हूं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों है ना, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में प्रवेश करें, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में प्रवेश करें तो वह तत्व एस ब्लॉक का होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मित्रों एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों, एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक का क्या देख रहे हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है। यदि एस ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है मित्रों NS122, कितना होता है मित्रों NS122 होता है, ठीक है। ये मित्रों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जनरली ये पूछ लिया जाता है कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वो होता है NS1 से लेकर 2 तक है। फिर मित्रों मैं ये कह रहा हूं एस ब्लॉक में दो वर्ग है, वर्ग संख्या एक और दो, क्या कह रहा हूं, एस ब्लॉक में ठीक है दो वर्ग आते हैं, कितने वर्ग आते हैं, दो वर्ग आते हैं, कितने वर्ग आते हैं मित्रों, दो वर्ग आते हैं। और अगली बात ये कर रहा हूं एस ब्लॉक मित्रों एक से है ना सात आवर्त, एस ब्लॉक एक से सात आवर्त तक पाया जाता है, क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि एस ब्लॉक एक से सात आवर्त तक पाया जाता है, एस ब्लॉक एक से सात आवर्त तक पाया जाता है, ठीक है। और मित्रों नेक्स्ट बात ये कह रहा हूं, जो हमारा एस ब्लॉक होता है ना उसके अंदर मित्रों हाइड्रोजन छोड़कर अन्य है ना एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व होता है जो धातु नहीं होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातु होते हैं, क्या कह रहा हूं मित्रों, देखो ध्यान देना, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष अन्य तत्व धातु होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, धातु होते हैं, शेष अन्य जो भी तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक में क्या होते हैं, धातु होते हैं। देखो कुछ कुछ बातें एस ब्लॉक के बारे में की वो ध्यान देना, एस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, एस उपकोष में प्रवेश करेगा, तो क्या कहलाएगा एस ब्लॉक का एलिमेंट। और मित्रों इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस वो कितना है, NS1 से 2 तक है। एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, दो वर्ग आते हैं, एक वर्ग संख्या एक और एक वर्ग संख्या दो होती है, जिसको फर्स्ट ए और फर्स्ट बी से डिनोट करते हैं। एस ब्लॉक कितने आवर्त तक है मित्रों, एक से सात तक पीरियड में है या आवर्त में है। और एस ब्लॉक में मित्रों हाइड्रोजन को छोड़कर शेष अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट है ना, ध्यान देना मित्रों मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने ये दोनों वर्ग बना रहा हूं, ठीक है। देखो अपने ये है ना, ये बना रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे होता है, ठीक है,
हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है मित्रों? लिथियम में, फिर होता है सोडियम में, फिर होता है पोटेशियम में, फिर होता है रुबिडियम में, ठीक है, फिर होता है सीजियम, ठीक है। हाय लीना ने की क्या, रब से क्या की मित्रों? फरियाद की, एफ आर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यदि इधर दूसरी बात करें मित्रों, है ना, तो इधर है ना, ये तो एस ब्लॉक बना रहे हैं मित्रों अपन, है ना, एस ब्लॉक के कंप्लीट एलिमेंट देखना चाहते हैं। तो मित्रों लिथियम के बाद में इधर आएगा बेरिलियम, है ना, बेटा, है ना, मांगे, है ना, के का मतलब है कन्या, है ना, एस आर सुंदर, है ना, बाप क्या मित्रों? राजी। देखो इधर ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ये हमारा कौन सा ब्लॉक बना दिया मैंने, ये आपका जो है ये मैंने एस ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया मित्रों? एस ब्लॉक बना दिया। इस एस ब्लॉक के अंदर मित्रों ध्यान देना, ये आपका के, इसको हम दर्शाते हैं फर्स्ट एसे, किसे दर्शाते हैं? फर्स्ट एसे, और इसको दर्शाते हैं सेकंड एसे। ये वर्ग संख्या एक है, ये वर्ग संख्या दो है, तो कितने वर्ग हो गए? दो। और मित्रों देखो हाइड्रोजन पहले आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में, छठवें आवर्त में, सातवें आवर्त में, ये n बराबर एक है, ये n बराबर दो है, ये n बराबर क्या है? तीन है, ये n बराबर चार है, ये n बराबर पांच, और ये n बराबर छह, और ये क्या है मित्रों? n बराबर सात। ये हमारा s ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? s ब्लॉक। अब मुझे मित्रों बताना, जो हमारा s ब्लॉक है इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए? देखो सात तो ये हो गए और छह ये हो गए। अब मित्रों मैं ये बात कर रहा हूं कि इन एस ब्लॉक की, ठीक है, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है। एस ब्लॉक में देखो मित्रों, अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार के तत्वों की बात कर रहा हूं। देखो मित्रों यदि मैं बात करूं कुल तत्व कितने पाए जाते हैं एस ब्लॉक में, ठीक है, या फिर कहूं तो मैं स्थिति के आधार पर 13 तत्व होते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइनों में लिख रहा हूं मित्रों। मैं ये कह रहा हूं स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व होते हैं। देखो मित्रों लाइन गजब की है, है ना। मैं तीन प्रकार से एस ब्लॉक के एलिमेंट बताऊंगा। पहली लाइन तो यह है मित्रों कि यदि स्थिति के आधार पर बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर 13 तत्व है मित्रों। कितने तत्व है? 13। देखो जैसे गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 13 तत्व हो गए। ये किसके आधार पर है मित्रों? ये स्थिति के आधार पर है। और यदि हम बात करें, है ना, दूसरे आधार पर मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, यदि गुणधर्म के आधार पर देखे तो मित्रों हाइड्रोजन के जो गुणधर्म होते हैं वो एस ब्लॉक से नहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक में तो सारी मेटल होती है, लेकिन हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, ये तो नॉन मेटल है मित्रों। तो मैं क्या कह रहा हूं, गुणधर्म के आधार पर एस ब्लॉक में, गुणधर्म के आधार पर एस ब्लॉक में, गुणधर्म के आधार पर एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं मित्रों? एस ब्लॉक में 12 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 12 तत्व होते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व गुणधर्म के आधार पर नहीं माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्रॉस क्वेश्चन लगा दिया मैंने। अब देखो मित्रों यदि ये पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूछे, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं मित्रों, है ना, एस ब्लॉक में मित्रों 14 तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। देखो मतलब 14 कैसे बता दिया मैंने, एक बार पिछली स्लाइड पर ध्यान देना।
देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है मित्रों, ये होता है 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बार और ध्यान बात बताना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 ही तो होता है क्योंकि हीलियम दो पर आता है। तो मित्रों एक बात बताओ, हीलियम पोजिशन के आधार पर तो कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। लेकिन मित्रों एक बात बताओ कि पोजिशन के आधार पर चाहे पी ब्लॉक में हो, लेकिन मित्रों आप ये देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बताओगे तो कौन से ब्लॉक में बता दोगे आप, एस ब्लॉक में। तो मित्रों यही तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। ये तो था मित्रों एस ब्लॉक के बारे में कुछ बातें। अभी भी कुछ बातें और यदि मैं बताऊं तो देखो मित्रों मैं ये कहता हूं कि एस ब्लॉक में धातु पाई जाती है और आप सब जानते हो धातु क्या होती है, ठीक है। धातु मतलब ये है ना अपने आप में कठोर होती है, ठीक है हमेशा। लेकिन मित्रों मैं ये बता रहा हूं एकमात्र ऐसी धातु एस ब्लॉक के अंदर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो कौन सी होगी मित्रों, है ना, वो सीजियम होगी। क्या कह रहा हूं मित्रों, एस ब्लॉक की एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह सीएस सीजियम है। क्या है मित्रों, सीजियम। देखो मित्रों बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि सीजियम एक मात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा मित्रों आपको एक चीज बताऊं, देखो जब भी हमारी पीरियोडिक टेबल शुरू होती है ना तो सबसे पहले कौन आता है, एस ब्लॉक आता है। तो मित्रों ये कहें जैसे पहली कतार में जो लोग खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो स्वागत करता है ना, स्वागत करने वाले, तो है ना अपन जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं प्रतिनिधि तत्व या वो रिप्रेजेंट करने वाले तत्व होते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं एस ब्लॉक के एलिमेंट को, एस ब्लॉक के एलिमेंट को प्रतिनिधि तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ये था मित्रों एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। ये जरूर ध्यान रखना मित्रों, एस ब्लॉक के पहले वर्ग को सारे धातु तत्व कहते हैं तथा दूसरे वर्ग को सारे मर्दा धातु तत्व कहते हैं। क्या कह रहा हूं मित्रों, ये भी ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्व को सारे धातु तत्व कहते हैं, सारे धातु तत्व कहते हैं, जिनकी संयोजकता कितनी होती है मित्रों, एक होती है। कितनी होती है मेरे भाई, एक होती है, ठीक है, जनरली एक होती है। एस ब्लॉक के यदि सारे धातु की बात करें तो, ठीक है। और आगे ये लिख रहा हूं मित्रों, जो सारे धातु हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, मैं ये लिख रहा हूं मित्रों सारे धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। क्या होता है मित्रों, NS1। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे यहां तो मित्रों देखो ध्यान देना,
सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है जिसे क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर क्या है लिथियम है, फिर क्या है मित्रों बेरिलियम है ना, सॉरी है ना, फिर सोडियम है, ठीक है। ली नानी की रब से क्या की मित्रों, रब से है ना एफ आर। देखो मित्रों इसको याद करने की ट्रिक तो मैं इधर लिख रहा हूं, वो भी जरूर ध्यान रख लेना ताकि याद रह जाए ये चीजें, ठीक है। इसको बोलते हैं हाई, क्या बोलते हैं हाई, एल आई का मतलब है लीना, क्या होता है लीना, एन ए का मतलब होता है लीना ने, के का मतलब है की, ठीक है, आर बी का मतलब है रब, ठीक है रब है, ठीक है, सी एस का मतलब है रब से, एफ आर का मतलब है मित्रों फरियाद, क्या है फरियाद। देखो ये याद कर लेना, याद करने की ट्रिक है, एच का मतलब हाई, एल आई का मतलब लीना, एन ए का मतलब ने, के मतलब की, आर बी रब और सी एस से, एफ आर का मतलब फरियाद। लीना ने किससे फरियाद कर डाली मित्रों, रब से। अब बात कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो मित्रों यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी क्या बता रहा हूं कि इनका सारे धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH1। देखो ये अभी पहले एक बार ये भी देखो मित्रों है ना, पीछे की है ना टेबल में देखना एक बार मित्रों, मैंने बताया था ना कि ये पहले आवर्त का है, इसके लिए एन बराबर एक, एन बराबर दो, एन बराबर तीन, एन बराबर चार, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं मित्रों, ठीक है मैं ये बता रहा हूं, जैसे यदि आपको हाइड्रोजन का क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस चाहिए, तो आप कैसे बताओगे मित्रों, आप बताओगे एन, एन हाइड्रोजन के लिए कौन सा आएगा, एक आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, क्या होगा मित्रों 1s1 होगा। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, ठीक है, अब मित्रों ध्यान देना है ना, मैं ये कह रहा हूं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा है ना, अब देखो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इधर हीलियम लिखो है ना, इधर क्या लिखोगे है ना नियोन लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे है ना हे नेता और ठीक है कर्मचारी, और इधर क्या लिखोगे जीमते, ठीक है यहां लिखोगे आरएन, ठीक है इनको कोष्टक में बंद कर देना, ठीक है कर दिया क्या, बोलो मित्रों ये लो हमने इनको कोष्टक में बंद कर दिया। अब सुनो मित्रों देखो ध्यान देना, अब मैं ये कह रहा हूं इसका 1s1 है तो इसका होगा 2s1, इसका होगा है ना 3s1, कितना होगा मित्रों 3s1, इसका होगा 4s1, इसका होगा 5s1, इसका होगा 6s1, इसका होगा 7s1। देखो ध्यान देना मित्रों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस मैंने यहां भी आपको बता दिया, ये मैंने ऐसे क्यों किया है नेता और कर्मचारी जीवते रहने को पहले, मित्रों मैं ये कह रहा हूं 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो, वो सॉरी 2 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हीलियम का हो गया, और 2s1 एक हो गया, 2 और 1 कितने 3, तो लिथियम 3 नंबर पर होता है, सोडियम कितने नंबर पर होता है 11, तो 10 तक का तो नियोन का हो गया, ठीक है और 10 और 1 ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, पोटेशियम के पास 18 तक तो ये हो गया, 18 और 1 ये कितना हो गया 19। तो मित्रों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखने का तरीका है, ये किसके लिए लिखा है मैंने, सारे धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s1 होता है, ठीक है। और मित्रों देखो ध्यान देना है ना, ये सोडियम है ना बहुत क्रियाशील होता है, जो सक्रियता श्रेणी आती है उसमें टॉप पर आता है, सबसे टॉप पर सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम होता है, उसके बाद में सोडियम होता है, इसलिए उनको हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सारे धातु तत्वों की तो बात हो गई, अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों ध्यान देना, ठीक है मैं ये कह रहा हूं मित्रों अगली बात समझना है ना, इधर ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं सारे मर्दा धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सारे मर्दा धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है, क्या होता है मित्रों NS2 होता है, ठीक है बिल्कुल। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ बात करते हैं, देखो दूसरा या सारे है ना, क्या लिखा है मैंने सारे मर्दा धातु तत्व है, ठीक है सारे मर्दा धातु तत्व है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है NS2 होता है, ठीक है एक बार पीछे वाली स्लाइड पर है ना हमने ये नहीं लिखा था, एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों को सारे धातु तत्व कहते हैं, तो देखो इसको ये कह रहे हैं है ना, और ये लाइन भी आप साथ साथ लिख लेना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं
एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? सेकंड वर्ग के तत्वों को मित्रों, एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग के तत्वों को सारे मर्दा धातु तत्व कहते हैं। सारे मर्दा धातु तत्व कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम बात करें तो मित्रों, मैं एक बार सारे मर्दा धातु तत्व आपके सामने लिख रहा हूं। सारे मर्दा धातु तत्व कौन से हैं, ठीक है। जैसे मित्रों, सारे मर्दा धातु तत्व है हमारे, ठीक है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ठीक है, है ना। यदि ऐसे लिखे तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ठीक है। और मित्रों, इसकी जो ट्रिक है वो ये है, ट्रिक भी पढ़ लेना, ट्रिक है मित्रों, बेटा, ठीक है, एमजी का मतलब है मांगे, सीए का मतलब है कन्या, ठीक है, या कार भी लिख सकते हो, ठीक है। एसआर का मतलब है मित्रों सुंदर, ठीक है, बीए का मतलब है बाप, और आरए का मतलब है मित्रों राजी, ठीक है, ये ट्रिक है। अब सुनना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं हमें चाहिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या चाहिए? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। तो मित्रों हम क्या करेंगे, वही पुराने वाला तरीका है ना, अपन इनके साथ साथ बराबर में क्या उतारेंगे मित्रों, अपना है ना वो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को उतारेंगे सबसे पहले। जैसे मित्रों हम बात करेंगे यहां, ठीक है, क्या बोलेंगे, हे नेता और कर्मचारी जीमते रहना, ठीक है, इनको है ना ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब मित्रों क्या करेंगे हम, अब मित्रों हमें ये बोलेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें एक काम करना है मित्रों, हम यहाँ ये जोड़ते चलेंगे, ठीक है, है ना, मतलब अपन को क्या करना था, NS2, ठीक है। तो मित्रों ये कौन सी आवर्त का तत्व है, दूसरी आवर्त का तत्व है बेरिलियम, ठीक है। तो मित्रों इसके लिए है ना एन का मान 2 लेंगे, तो ये 2s2 होगा, ठीक है, और इसके लिए होगा 3s2, इसके लिए होगा 4s2, इसके लिए होगा 5s2, 6s2, और इसके लिए होगा 7s2, ठीक है। ये मित्रों इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखो ध्यान दो मित्रों, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, ये ट्रिक है मित्रों, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। देखो चाहे तुम जोड़ लो, बेरिलियम कितने नंबर पर आता है मित्रों, 4 पर, कितने पर आता है, 4 पर। देखो मित्रों मैंने आपको यह भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व बताए थे, 2 तत्व बताए थे, जिसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे आवर्त में 8 और तीसरे में भी 8, जिनको क्या कहते हैं, है ना, उनको कहते हैं है ना, जिसे दीर्घ आवर्ती, वो सॉरी लघु आवर्ती। और चौथे और पांचवे में मित्रों 18 बताए थे, तो मित्रों उसमें कितने होंगे, वो क्या बोलेंगे उनको, दीर्घ। और मित्रों जो है ना छठवा आवर्त होगा, अति दीर्घ आवर्त होता है, 32 एलिमेंट होते हैं, और सातवें के अंदर अपूर्ण आवर्त होता है। यदि आप एक चीज बताना चाहो मित्रों तो बोलो, आपको ये भी बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो। देखो अंतर कितना था आता है, ठीक है, 2 पहले में कितने, पहले में हमेशा 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो पहले में कितने जोड़ते हैं, 2, है ना, जैसे मैंने ये बता रहा हूं, 2, फिर कितना जोड़ोगे, 8, फिर कितना जोड़ोगे, 8, फिर कितना जोड़ोगे, है ना, 18, और फिर कितना जोड़ोगे, 18, और फिर कितना जोड़ोगे, 32, और इससे अगला क्या है, अपूर्ण है, ये 7 आवर्त होगे। पहले आवर्त में कितना जोड़ते हैं मित्रों, 2 जोड़ते हैं, फिर दूसरे में 8 जोड़ते हैं, फिर तीसरे में 8 जोड़ते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान। अब जैसे मित्रों बेरिलियम कौन से आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है, क्योंकि पहले आवर्त में तो ओनली उधर एस ब्लॉक में हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। तो मित्रों इससे यदि आप आगे चले तो इससे आगे कितना जोड़ दो, 8 जोड़ दो, कितना आ गया, 12, तीसरे आवर्त में जाने के लिए। फिर इसमें वापस कितना जोड़े, 8, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। फिर मित्रों इसमें कितना जोड़े, 18, तो 18 जोड़े तो ये कितना आ गया, ठीक है, 38 आ गया, कितना आ गया, 38 आ गया, है ना। और फिर इसमें कितना जोड़े मित्रों, फिर इसमें जोड़ते हैं है ना 32 एलिमेंट, कितना जोड़ते हैं, 32। तो
तो मित्रों ये कितना हो गया फिर, है ना, यदि इसमें 38 जोड़े, है ना, तो ये कितना होगा जिसे, है ना, फिर से 38 जोड़ेंगे, सॉरी, है ना, क्योंकि 18 18 दो बार जोड़ने हैं ना, तो मित्रों 38 जोड़ेंगे तो ये हो गया 56, और मित्रों इसमें फिर 32 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो फिर ये मित्रों होगा, है ना, 88, कितने नंबर पर आएगा, 88, ठीक है। तो मित्रों अपन ये इजीली हम इन चीजों को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मित्रों, है ना, अपना ये था, है ना, चलो आगे अपन पढ़ते रहेंगे तब पता चलता रहेगा। अब एक बात बताओ, है ना, ये अपना क्या लिख दिया अपने परमाणु क्रमांक, मैं ये कह रहा हूं मित्रों यदि आपको आवर्त में, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एक बार वापस ध्यान देना, यदि आप पहले आवर्त में हो, इधर तो लिख रहा हूं आवर्त संख्या, ठीक है, आवर्त संख्या, ठीक है, जैसे पहले दूसरे तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यदि आप पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाना चाहते हो तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ना पड़ेगा, दो। यदि आप दूसरे से है ना तीसरे में जाना चाहते हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा दूसरे में, दूसरे में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, और तीसरे से चौथे में जाना चाहोगे तो फिर से कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। चौथे से पांचवें में जाना चाहोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, और पांचवें से छठवें में जाओगे तो फिर से कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, और छठवें से सातवें में जाओगे, है ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा मित्रों, है ना, फिर आपको 32 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं जैसे आपके पास ये दूसरा था, तीसरे में जाने के लिए कितना जोड़ा आप, तीसरा, है ना, दूसरा था दूसरे से तीसरे, तीसरे में भी कितना, 8, और है ना ये कौन सा हो गया, है ना, तीसरे में भी कितना जोड़ा, 8, और चौथे में कितना जोड़ेंगे, 18, पांचवे में 18, छठवे में 32, है ना, तब सातवा आ गया। अब हम ये बात कर रहे हैं मित्रों, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस मैंने सिखा दिया। इससे आपको ये तो मालूम चल गया कि यदि आपको एक तत्व का परमाणु क्रमांक ध्यान है तो आगे के सभी निकाल सकते हो। जैसे मित्रों हम बात करें, ये हीलियम है, ये कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो आगे की पूरी श्रेणी तो वो ट्रिक से याद रहती है कि हे नेता और कर्मचारी जीमते रहना, ये तो सबको याद रहती है ट्रिक से, है ना। अब मित्रों इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो ये पहले आवर्त में है, है ना, पहले आवर्त में दो ही तो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं मित्रों। फिर क्या करेंगे, इसमें आप पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने के लिए 8 जोड़ते हैं, कितना बना, 10, फिर कितना वापस 8 जोड़ते हैं तो कितना बना, 18, फिर वापस कितना जोड़ते हैं, 8, तो 18 और 8 कितने बने, है ना, है ना, 2 से कितना जोड़ना पड़ा, 8, इससे इसमें जाने के लिए 8, और इससे इसमें जाने के लिए भी कितना जोड़ा, 8 है। अब मित्रों 18 में फिर से कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, तो ये कितना हो गया, 36, ठीक है, 18 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें फिर से 18 जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो गया, 54, ये लो 18 फिर ऐड कर दिया, और इसमें फिर 32 जोड़ना पड़ेगा तो मित्रों 32 जोड़ने पर ये 86 आता है, कितना आता है, 86 आता है। अब एक बात बताओ, ये आरएन है ना, रेडोन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना, 86, और दो ये है, 86 और दो कितना हो गया, 88, जिनोन का कितना, देखो इधर ध्यान, 54, है ना, जिनोन का 54 है तो 54 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, तो ये कितना हो गया, 56, है ना। क्रिप्टोन का कितना है, इधर देख लो, क्रिप्टोन का 36 है तो 36 में कितना जोड़ा आपने, 2, तो ये कितना हो गया, 38। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस अब अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अच्छे से आप सबको बता ही दिया, ठीक है। ये अपना पूरा एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। कौन सा ब्लॉक कंप्लीट होता है मित्रों, एस ब्लॉक कंप्लीट होता है, ठीक है। हालांकि एस ब्लॉक में बहुत सी बातें हैं, यदि एक एक तत्व की बात करें इनके बारे में बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन जनरल चीजें इतनी पूछी जाती है, मैंने एकदम पूरा अच्छे से बताया आपको। अब बात कर रहा हूं मित्रों नेक्स्ट पी ब्लॉक के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के बारे में, है ना। अब ध्यान देना मित्रों, मैं यह कह रहा हूं कि पी ब्लॉक किसको कहेंगे, ठीक है, मतलब यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो वह तत्व पी ब्लॉक का होगा। क्या कहा है मैंने मित्रों, मैंने यह कहा है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में
प्रवेश करता है तो वह, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो वह पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है मित्रों, क्या कहा है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, जो पी ब्लॉक होता है ठीक है, उस पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं, और वो होता है मित्रों NS2NP126 होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने मित्रों, है ना, मैंने ये कहा है पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP126 होता है। क्या कहा मैंने मित्रों, P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP126 होता है। ठीक है, N क्या है मित्रों, कोशों की संख्या, पहले पहले आवर्त के लिए एक होगा, दूसरे आवर्त के लिए दो होगा, तीसरे आवर्त के लिए तीन होगा। ठीक है, ये P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मित्रों आप एक चीज ध्यान दो, ठीक है, है ना, P ब्लॉक में देखो एक से लेकर छह तक है ना, तो P ब्लॉक में ठीक है मित्रों, मैं ये कह रहा हूं P ब्लॉक के अंदर अधिकतम है ना, जिसे P उपकोष है ठीक है, तो इसमें कितने कक्षक होंगे, तीन कक्षक होंगे। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, दो। तो मित्रों P जो ब्लॉक है उसमें वर्ग कितने होंगे मित्रों, छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो छह वर्ग होंगे। ठीक है, तो मैं यह कह रहा हूं कि पी ब्लॉक में छह वर्ग होते हैं। क्या कह रहा हूं मित्रों, पी ब्लॉक में छह वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, छह वर्ग होते हैं। ठीक है, आगे ये लिख रहा हूं मित्रों, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है मित्रों जिसके अंदर धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है, और उपधातु भी पाई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि पी ब्लॉक में ठीक है, पी ब्लॉक में धातु कोमा अधातु तथा उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, है ना, पी ब्लॉक में क्या क्या पाया जाता है मित्रों, धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है, उपधातु भी पाई जाती है, मतलब तीनों चीज किसमें होती है, पी ब्लॉक में होती है। ठीक है, जैसे अभी एस ब्लॉक पढ़ा था तो एस ब्लॉक में तो ओनली मेटल थी, धातु थी, है ना, अधातु और उपधातु तो थी नहीं, हाइड्रोजन तो एक है ना, मतलब उसके गुणों से मैच नहीं कर रहा था, हाइड्रोजन अधातु थी। अब देखो बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की, देखो पी ब्लॉक के बारे में एक बार पूरे एलिमेंट्स को मैं बताता हूं ठीक है, कि कैसे क्या होता है। जो पी ब्लॉक होता है मित्रों उसके अंदर है, सबसे पहले ये 13वें वर्ग से स्टार्ट होता है। ठीक है, 13वें से लेकर 18वें वर्ग तक, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां और 18वां, ये छह वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं एक बार हम चित्र बना रहे हैं इनका अच्छे से, है ना, सबसे पहले एक दो तीन चार पांच और ये कितनी, छह वर्ग हो गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मित्रों इन छह वर्ग के अंदर, है ना, ध्यान देना, पी ब्लॉक के बारे में हम चित्र बना रहे हैं, है ना, ये पी ब्लॉक है।
अब देखो ध्यान देना मित्रों, मैं ये कह रहा हूं पी ब्लॉक में ये तेरवा ना मतलब ग्रुप है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मित्रों है ना उसको एस ब्लॉक में पहला वर्ग था उसको फर्स्ट ए कह रहे थे, रोमन संख्या में फर्स्ट ए कह रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं मित्रों है ना सेकंड ए, क्या बोलते हैं सेकंड ए, इसको बोलते हैं मित्रों थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, क्या बोलते हैं फोर्थ ए, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, और इसको बोलते हैं मित्रों सिक्स्थ ए, और इसको बोलते हैं सेवंथ ए, क्या बोलते हैं सेवंथ ए, ठीक है। वो सॉरी है ना थोड़ा सा हमने गलती कर दी मित्रों है ना, फर्स्ट ए और सेकंड ए तो एस ब्लॉक में आ चुका था, ठीक है। एक बार वापस लिखते हैं मित्रों इनको, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं मित्रों इसको तो बोलते हैं थर्ड ए, क्या बोलते हैं थर्ड ए, इसको बोलते हैं फोर्थ ए, और इसको बोलते हैं मित्रों फिफ्थ ए, और इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, और इसको बोलते हैं सेवंथ ए, क्या बोलते हैं सेवंथ ए। और ये जो होता है ना ये मेनलिप के अवर्स आने के वक्त तो खोज ही नहीं हुई थी इसकी, तो इसको बोलते हैं है ना इसके ऊपर यहाँ एक है ना ये हीलियम और पाया जाता है, क्या पाया जाता है हीलियम, और इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, क्या बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना मित्रों मैं अब एलिमेंट्स दर्शा रहा हूं, ठीक है। यदि हम एलिमेंट्स की बात करें मित्रों तो एलिमेंट्स होंगे जैसे थर्ड एक के अंदर ये कौन सा वर्ग हो गया मित्रों तेरहवां वर्ग, ये चौदहवां वर्ग, ये पंद्रहवां वर्ग, ये सोलहवां वर्ग, ये सत्रहवां वर्ग, और जीरो ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं मित्रों अठारहवां वर्ग, क्या बोलते हैं अठारहवां वर्ग। इसमें एलिमेंट तेरहवें वर्ग में होते हैं मित्रों, जैसे इसकी ट्रिक होती है बैंगन है ना, बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है मित्रों बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। और इसकी ट्रिक होती है कहे सीताजी, कौन कहे सीताजी और सुने कौन प्रभु, ठीक है। क्या कहा मैंने कहे सीताजी सुने कौन प्रभु, और इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या है मित्रों भिखारी हैं, सब क्या है भिखारी हैं। और ये सिक्स्थ ए में या सोलहवें वर्ग में ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है, इसकी है ना ट्रिक होती है और स्टाइल से क्या पियो टीपो है ना, और स्टाइल से क्या करो मित्रों टीपो, इस स्टाइल से मत टीपो दूसरी स्टाइल से टीपो और स्टाइल से टीपो। और इसमें जो होता है वो होता है फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है हेलोजन वर्ग होता है, फिर कले बाहर आएगी कौन आएगी मित्रों आंटी आएगी, फिर कल बाहर आएगी कौन आंटी। और इसका मैंने बता भी दिया आपको इसमें होता है हीलियम में अक्रिय है ना, तो हे नेता और कर्मचारी क्या करते रहना जीमते रहना, ठीक है। अब देखो मित्रों ध्यान देना ये हमने कौन सी है ना पीरियोडिक टेबल है ना ये पी ब्लॉक बनाया कंप्लीट, क्या बनाया है पी ब्लॉक बनाया है, एक एक के बारे में भी चर्चा करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस भी लिखना सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस है ना पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिशन में वो ऐसे पी ब्लॉक से ही पूछ लिया जाता है। अब देखो मित्रों ध्यान देना ये हमारी क्या है पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये मित्रों कौन सा आवर्त है ये n बराबर दूसरा आवर्त है, ये n बराबर तीसरा, ये n बराबर चौथा, ये n बराबर ए, ठीक है। ये n बराबर क्या है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है ना, और ये कौन सा है ठीक है n बराबर ए पांचवा, और ये कौन सा है मित्रों छठवा, और सातवा क्या रहता है अपूर्ण रहता है, क्या रहता है अपूर्ण रहता है। ये मित्रों पी ब्लॉक के कंप्लीट जो एलिमेंट है वो है 13 से लेकर कितने वर्ग तक पाए जाते हैं 18 वर्ग तक पाए जाते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, देखो मित्रों ये जो सेकंड आवर्त के एलिमेंट हैं क्या है सेकंड आवर्त के एलिमेंट, जिस प्रकार के गुणधर्म सेकंड आवर्त के एलिमेंट रखते हैं सेम उसी प्रकार के गुणधर्म मित्रों कौन रखते हैं है ना जो अन्य जितने भी तत्व हैं, ठीक है, मतलब नीचे के वो हमेशा उसी के है ना समतुल्य गुणधर्म रखते हैं। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार का गुणधर्म बोरोन का है उसके नीचे वाले एलिमेंट उसी प्रकार के गुणधर्म रखते हैं, इसलिए मित्रों सेकंड आवर्त आवर्त के जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन टिपिकल एलिमेंट या प्रारूपी तत्व कहते हैं। और एक बात जरूर ध्यान देना मित्रों मैं ये कह रहा हूं
जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको भी मित्रों हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और जरूर ध्यान देना मित्रों, जो लास्ट का जो ग्रुप है ये 18वां, इनको बोलते हैं मित्रों जीरो ग्रुप एलिमेंट, या फिर इनको बोलते हैं अक्रिय गैस, गैसों का है ना जो ग्रुप है वो। और मित्रों जो है ना 17वें वर्ग है इसको बोलते हैं अपन हेलोजन वर्ग। क्या बोलते हैं? हेलोजन वर्ग। हेलोजन क्यों बोलते हैं मित्रों? क्योंकि ये लवण सर्वाधिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। और जो 16 नंबर का वर्ग है मित्रों इसको बोलते हैं चालकोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? चालकोजन। और चालकोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक अयस्क बनाता है। क्या बनाता है मित्रों? सर्वाधिक अयस्क। अच्छा, इसके अंदर मित्रों जैसे यदि हम बात कर ही लें तो मित्रों इसमें क्या होता है, जैसे बोरोन क्या है ना, जैसे उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है मित्रों? उपधातु है। आर्सेनिक क्या है? उपधातु है, ठीक है। तो मित्रों इसमें क्या होता है, ये उपधातु होती है। जैसे इधर हम बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, है ना, ये क्या है मित्रों? ये इसके अंदर अधातु है। क्या है? अधातु। और जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, है ना, तो ये क्या है? ये धातु है। तो आपको ये तो समझ में आएगा, आ गया कि पी ब्लॉक जो होता है उसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब मैं तो ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, क्या क्या कह रहा हूं कि जो पी ब्लॉक होता है, ठीक है, इसके अंदर है ना, इन वर्गों का जो अन्य नाम है वो बता देता हूं एक बार, अगली स्लाइड पर लिख देता हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं मित्रों पी ब्लॉक का 18वें वर्ग को जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक के है ना, पहली बात तो ये बोल रहा हूं पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के 18वें वर्ग में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अक्रिय गैसें या कहें तो इनर्ट गैसें, इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैं यह कह रहा हूं मित्रों पी ब्लॉक का जो 18th नंबर का ग्रुप होता है उसके अंदर अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, जिन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट कहते हैं। और अगली लाइन ये लिख रहा हूं मित्रों, है ना, पी ब्लॉक का 17वां वर्ग हेलोजन वर्ग कहलाता है क्योंकि सर्वाधिक लवण बनाता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मित्रों? मैं ये कह रहा हूं पी ब्लॉक का 17वां वर्ग हेलोजन वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? पी ब्लॉक का 17वां वर्ग हेलोजन वर्ग कहलाता है। क्योंकि हेलोजन वर्ग कहलाता है क्योंकि ये सर्वाधिक लवण बनाते हैं। सर्वाधिक क्या बनाते हैं मित्रों? लवण बनाते हैं, ठीक है, ये लो। अब यदि हम बात करें मित्रों 17वें वर्ग के बाद में 16वें वर्ग की, तो वो क्या कहलाता है मित्रों? मैं ये कह रहा हूं पी ब्लॉक का 16वां वर्ग चालकोजन कहलाता है। क्योंकि पी ब्लॉक का 16वां वर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है मित्रों? चालकोजन कहलाता है। क्योंकि है ना 16वां वर्ग सर्वाधिक अयस्क बनाता है। सर्वाधिक क्या बनाता है मित्रों? अयस्क बनाता है, ठीक है, ये लो। अब यदि बात कर रहा हूं तो मित्रों ये कहूंगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को भी मैं प्रतिनिधि तत्व कहता हूं। क्या कहता हूं मित्रों? मैं ये कह रहा हूं पी ब्लॉक के तत्वों को भी पी ब्लॉक के तत्वों को भी
प्रतिनिधि तत्व है, या बोले तो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये मित्रों हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक की। देखो मित्रों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की। क्या क्या बात कर ली कि 18 वर्ग के अक्रिय गैसें पाई जाती हैं जिनको जीरो ग्रुप एलिमेंट कर रहे हैं। 17 वर्ग हैलोजन वर्ग कहते हैं, क्यों कहते हैं? 16 वर्ग को चालकोजन कहते हैं, क्यों कहते हैं? यहां से मित्रों आपको मैं बताऊं, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि इसका कोई एक एलिमेंट दे रखा था और उसको ये पूछ रखा था कि निम्न में से कौन सा चालकोजन एलिमेंट नहीं है या है ना। इसी प्रकार से तो मित्रों आपको भी ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित चार ऑप्शन होंगे उनमें से कौन सा चालकोजन एलिमेंट है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। अगली बात मैं ये कह रहा हूं मित्रों, है ना, मैं ये बता रहा हूं कि पी ब्लॉक का सेकंड आवर्ती के तत्व प्रारूपी तत्व या टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कह रहा हूं मित्रों? मैं ये कह रहा हूं पी ब्लॉक के सेकंड आवर्त के तत्व टिपिकल एलिमेंट, ठीक है, या इनको बोलते हैं प्रारूपी तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूपी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रारूपी तत्व कहते हैं। ये मित्रों पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। अब मित्रों मैं पी ब्लॉक के एक एक है ना जो मतलब ग्रुप है उनके बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं मित्रों, है ना, वो बैंगन आलू गाजर इने थेला, है ना। देखो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं मित्रों किसके बारे में, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थेला, है ना। इनको मित्रों सबसे पहले तो इनकी ट्रिक भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। इनको बोलते हैं बैंगन, क्या बोलते हैं? बैंगन आलू गाजर इने थेला। अब मित्रों बात कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस लिखते समय हमें क्या करना है मित्रों, वो सुनो तुम। तो मैं ये कह रहा हूं मित्रों, देखो इधर ध्यान देना, जिस प्रकार से वहां हम क्या लिख रहे थे, है ना, वहां भी अपन जैसे कोई भी तत्व था उसके साथ अपन अक्रिय गैसों का जो पूरा ग्रुप लिख रहे थे। तो मित्रों है ना, बोरोन कौन से आवर्त का है? दूसरे आवर्त का। तो दूसरे आवर्त से आगे जितने भी अक्रिय गैसें अपनी उनको लिख दो, ठीक है। जैसे मित्रों हम लिखेंगे, है ना, ये है ना दूसरे आवर्त के बाद में, ठीक है। अब मित्रों दूसरे आवर्त है ना ये बोरोन है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखेंगे है ना सबसे पहले तो हीलियम, है ना, हीलियम से स्टार्ट किया था अपन ने, हे नेता और कर्मचारी क्या करना, जीमते, आगे कुछ है नहीं। अच्छा हीलियम, अब ये बताओ ही इनको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ मित्रों हीलियम कितने नंबर पर आता है? दो नंबर पर, हाइड्रोजन हीलियम। बोरोन कितने पर आता है? पांच पर। एक बार ध्यान देना मित्रों, बोरोन कितने पर आता है? पांच पर। अब मित्रों पांच में कितना जोड़ना है? बोरोन दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में जाने के लिए, है ना, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने के लिए दो जोड़ते हैं। कितना, है ना, दो ही तत्व हैं तो पहले तो दो, फिर आठ आठ, फिर है ना अठारह अठारह, फिर कितने जोड़ते हैं? बत्तीस, है ना। तो जिसे पांच है अपने पास, पांच में कितना जोड़ेंगे मित्रों? तेरह, है ना, आठ जोड़ेंगे तो कितना हो गया? तेरह हो गया, ठीक है। और मित्रों ये डायरेक्ट स्टार्ट ही दूसरे से हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? अठारह जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अठारह जब जोड़ेंगे तो मित्रों ये कितना बनेगा? इकतीस। और इसमें अठारह जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 39। और इसके अंदर फिर 32 जोड़ेंगे तो ये कितना जोड़ेगा बनेगा मित्रों? ये बनेगा, है ना,
जैसे ये बनेगा 39 में मित्रों 32 जोड़ने पर है ना 30 और 30 60, 60 और 71 बनता है, कितना बनता है 71, ठीक है 71 नहीं है ना 39, 39 में मित्रों है ना देखो ध्यान देना, 5 में कितना जोड़ा 8, 13 बन गई, फिर 13 में कितना जोड़ा अपने 18, फिर 31 में फिर से कितना जोड़ा अपने 18, और फिर है ना जो TL आ रहा है इसमें कितना जोड़ेंगे अपन 32 से है ना। लेकिन मित्रों है ना बीच में क्या होता है वो लेंथ एंड आता है, एक बार उसको डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ये। तो अब इधर ध्यान देना मित्रों, मैं कह रहा हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस आपको पता NS2NP126 है ना, 1 से लेकर 6 तक है। अब मित्रों मैं ये बता रहा हूं NS2 का मतलब कौन से आवर्त का है, दूसरे का, ये तो 2S2 तो ऐसे कैसे आएगा। अच्छा एन है ना NP126 तो एन तो इसमें भी 2 ही आएगा, पी अब 126 एक से लेकर 6 तक, अभी पहला वर्ग है तो 1 लगाएंगे तो 2s2 2p1, इसमें लगा देंगे 3s2 3p1, इसमें लगा देंगे 4s2 4p1, इसमें लगा देंगे 5s2 5p1, और इसमें लगा देंगे 6s2 6p1, ठीक है। और ये होता है ना आर्गन कितने पर है ना, 2 है ना, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36 है ना, 2 8 10, 10 और 8 कितने हो गए 18 है ना, 8 और 8 फिर 18 है ना, और ये हो गया 54, कितना हो गया 54। तो मित्रों ये कितना होगा, ठीक है 5 और 8 कितने हो गए 13 है ना, 13 और 18 कितने हो गए 31, और 31 और 18 कितने हो गए है ना, ये हो गए फिर है ना 31 और 18 तो 49 होते हैं, कितने होते हैं 49 होते हैं, और इसमें जब 32 जोड़ते हैं तो ये आता है मित्रों 40 30 70 81 आता है, कितना आता है 81, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। लेकिन इधर वाला सही नहीं हो रहा है ना, जैसे देखो इधर एक बार ध्यान देना, ये हो गया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम है ना, इस आप TL को छोड़ देना एक बार या तो, या बाकी एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियन है ना कैल्शियम। अब ये बात करें तो मित्रों ये हो गया 5 8 13 है ना, और 13 और ये हो गया है ना 18, कितने हो गया 31, 31 और है ना 18 ये कितना हो गया, ये हो गया एक बार इसको छोड़ दो मित्रों है ना, इसको रहने दो एक बार, ठीक है इसी को देख लेते हैं ये कितने पर आता है ना, ये 2 8 10 10 8 18 18 है ना, और फिर उसमें 18 जोड़ दो 36 36 37 38 रे कितना हो गया 39, ठीक है 5 8 कितना हो गया 13 13 और ये कितना हो गया 31, ठीक है। देखो एक बार वापस चेक करते हैं मित्रों है ना, मैं ये कह रहा हूं है ना अपन को क्या करना है, जिसे है ना अपन एक बात बताऊं मैं आपको, जिसे ये है हे नेता और कर्मचारी जिन, एक बार इसमें देख लेते हैं पूरा पी ब्लॉक बनाया ही है अपन ने, ठीक है थोड़ा सा यहां देखो मैं ये बोल रहा हूं मित्रों, ये हीलियम कितने नंबर पर है 2 पर, ठीक है ये कितने पर है 10 पर, ये कितने पर है 18, ये कितने पर है 36, और ये कितने पर है मित्रों 54, और ये कितने पर होगा 32 जोड़ो इसमें, ये होगा 86, कितना होगा 86। तो मित्रों बोरोन कितने नंबर पर होगा 5 पर है ना, इससे कितना कम करते चले है ना 5 5 कम करते चले, तो बोरोन कितने पर है 5, इससे है ना 5 कम करे तो ये कितना है 13 नंबर पर, और इससे है ना ये 36 है, 36 से 5 कम करेंगे तो ये कितना होगा 31, और इसमें कितना कम करेंगे 5 कम करेंगे तो ये कितना होगा 49, और मित्रों यदि TL है तो इसमें क्या करेंगे है ना इससे 5 कम करेंगे है ना 86 से तो ये कितना होगा 81, तो परमाणु क्रमांक तो वहां आपने एकदम सही लिखा था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है परमाणु क्रमांक तो एकदम सही लिखा था है ना अपन ने, लेकिन देखो मित्रों बीच में क्या हो गया है ना, ये देखो ये परमाणु क्रमांक बिल्कुल एकदम सही बात है ना, परमाणु क्रमांक तो एकदम ठीक है ही अपना, ठीक है ये है ना परमाणु क्रमांक तो एकदम सही से लिख दिया अपन ने, लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई है ना, देखो इसी है ना जो ये है 31 नंबर पर, और ये आर्गन कितने नंबर पर है ना, ये है अपना जैसे है ना, तो इससे पहले एक चीज बताओ 10 तत्व इसके भी तो आ गए ना डी ग्रुप के भी है ना, तो
ये बीच में 3D और आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 3D और आ गया। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक ही सक्सेस है। कहां तक सक्सेस है मित्रों, यहां तक। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे डी भी आ रहा है, फिर ऐप भी आएगा, ठीक है, इस वजह से। लेकिन आप तो इतना ध्यान रखना मित्रों, यहां तक का ध्यान रखना, ठीक है, ये कि इनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। रही बात का फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बताएगा, ठीक है, तो मित्रों ये तो मैंने आपको परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है आपको कि कैसे ज्ञात करें, ठीक है। यहां तो ब्लॉक पढ़ा रहा हूं, तो ब्लॉक के साथ भी बात कर रहा था, ठीक है। ये आपको देखो वहीं से बताया हुआ है, आपको अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से देखना मित्रों। अब बात करें पी ब्लॉक के बाद में किसके बारे में, है ना, ये पी ब्लॉक के अपने किसकी बात की है, है ना, पहले। और देखो अभी उसी पीरियोडिक टेबल में मैं कंप्लीट बातें करवा देता हूं, इसकी ट्रिक याद रखना, कहे सीता, तो इनमें एक एक जोड़ते चलना। तो जैसे इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा, इसका कितना होगा 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 7, इसका 8, इसका 9, और इसका होगा मित्रों 31 32 34 35 36, ये होगा, है ना, 49 50 51 52 53, ठीक है, और ये होगा 82 83 84 85, ठीक है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल, इसकी ट्रिक ये है, कहे सीता जी सुने प्रभु, इसके नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी और स्टाइल से टीपो, है ना, फिर कल बाहर आएगी आंटी और हे नेता और कर्मचारी जीमते रहना। ये था हमारा मित्रों किसके बारे में चर्चा, पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में चर्चा थी, पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है, यही बातें पी ब्लॉक के बारे में है, जनरल बातें, ठीक है। अब मित्रों हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, है ना, डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, डी ब्लॉक के बारे में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बीच में डी का लपड़ा पड़ेगा, ठीक है, आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी, है ना, वहां मैंने अच्छे से समझा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। परमाणु संरचना पढ़ाते वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस पूरा समझाया था, ठीक है, कैसे क्या बनता है। अब बात करेंगे मित्रों, है ना, अपन यहां तो आसान आसान चीजों के बारे में देख रहे थे, अब बात कर रहे हैं मित्रों डी ग्रुप के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, सॉरी, किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्रों, डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब वही पुरानी तरह से अपन सीखेंगे इसको भी, कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो वह तत्व डी ब्लॉक का होगा, ठीक है। क्या कहा मित्रों, मैंने यह कहा है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्लॉक की बात करें, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, डी उपकोष में, कौन से उपकोष में मित्रों, डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो इसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, तो इसे डी ब्लॉक का क्या कहते हैं मित्रों, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान देना मित्रों, है ना, यहां डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। यदि डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस होता है ना, वो होता है मित्रों NS, क्या होता है, देखो इसका सामान्य, है ना, मैं ये बोल रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है मित्रों, है ना, एन, है ना, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये होता है मित्रों, है ना, एन एस जीरो से लेकर टू एन माइनस वन डी वन टू कहां तक होता है मित्रों, 10 तक। ये मित्रों इसका सामान्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है, NS 0 से लेकर 2
और एन माइनस वन डी वन टू टेन तक होता है, ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस है। और यदि बात करें मित्रों डी डी ब्लॉक की, तो मित्रों डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों? क्योंकि जो डी उपकोष होता है वो हमेशा अपूर्ण होता है, ठीक है, इस वजह से वो कैसे एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन मित्रों तीन तत्व ऐसे होते हैं जेड एन सी डी एच जी, ठीक है, इनका डी उपकोष कंप्लीट होता है इसलिए वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं मित्रों, ठीक है, कि हर एक है ना डी ब्लॉक का प्रत्येक है ना हर एक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन डी ब्लॉक का प्रत्येक एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं मित्रों, बहुत शानदार और गजब की लाइन है, ठीक है, क्या कह रहा हूं ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मित्रों डी ब्लॉक की, क्या लिख रहा हूं मित्रों, मैं ये लिख रहा हूं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या कहें तो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का डी उपकोष अपूर्ण रहता है। डी उपकोष क्या रहता है मित्रों? अपूर्ण रहता है। क्या कहा मैंने? डी ब्लॉक के तत्वों है ना तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं मित्रों, ठीक है, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट डी उपको डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में डी उपकोष क्या रहता है? अपूर्ण रहता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर यह लिख रहा हूं मित्रों, ठीक है ना, एक बार मैं पूरी पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, डी ब्लॉक पूरा बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में तो आ जाए, ठीक है। अब यदि हम बात करें है ना, जैसे बेटा मांगे है ना, हम बात कर रहे हैं मित्रों है ना डी ब्लॉक की, एक बार पूरी वो सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना आप, तो मैं बात कर रहा हूं मित्रों डी ब्लॉक के सीरीज की है ना डी ब्लॉक में कितने होंगे? 10 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं मित्रों? 10 वर्ग होते हैं, ध्यान देना। ये हम मित्रों डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मित्रों, ये स्टार्ट होता है थर्ड ए है ना, किससे होता है? थर्ड बी से। किससे स्टार्ट होता है मित्रों? थर्ड बी, अच्छा फोर्थ बी, अच्छा फिफ्थ बी और सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ठीक है। फिर मित्रों ये एट नंबर में तीन वर्ग आते हैं, एट नंबर में कितने वर्ग आते हैं? ये तीन वर्ग आते हैं और ये लास्ट का वर्ग है ना। अब समझना इसको क्या बोलते हैं मित्रों, इसको बोलते हैं है ना, ये है ना तीन इसमें आ गए, एट में, और इसके बाद में कितने आ गए है ना एट में, फिर मित्रों फिर बच के अपना फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है, इनको बना रहा हूं,
सॉरी फर्स्ट भी और सेकंड भी बच गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट बी। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं फर्स्ट बी और इसको बोलते हैं सेकंड बी। क्या बोलते हैं? सेकंड बी। अब ध्यान देना मित्रों, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ये स्टार्ट होता है मित्रों, ठीक है। अपने बात करें तो जैसे है ना एससी से ना स्कैंडियम से, ठीक है, और है ना स्कैंडियम है एससी, ये हम डी ब्लॉक बना रहे हैं। ये जो श्रेणी बनाई है मित्रों मैंने, इस श्रेणी का नाम है 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी बनाई है? 3D श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है ना, जिंक, ये। अब इसके अलावा बात करें तो दूसरी जो अपनी श्रेणी होगी वो है जैसे ये अपनी कौन सी श्रेणी हो गई मित्रों? ये हो गई 4D श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई मित्रों? 4D श्रेणी। और यदि इसके बाद में हम बात करें है ना, तो बात ये होगी मित्रों कि इसके बाद में होगा ना, है ना, ला ताव रे ओस आई, है ना। अब इसके अलावा यदि बात करें तो यहां ये होता है ना एक्टिना है ये, और इसके आगे की है दी हम सीरीज लिखे है ना, बाकी इसको तो आप खाली छोड़ सकते हो है ना, कि मतलब ये इसमें वो अपूर्ण आवर्त होता है, ठीक है। ये मित्रों कौन सा आवर्त है? चौथा आवर्त, वो सॉरी तीसरा, चौथा, पांचवा है ना। जैसे यदि हम बात करें मित्रों है ना, इधर की श्रेणी ये है ना जिंक, तो ये आगे क्या आएगा जैसे निकुजर है ना, ये जिंक के बाद में आता है जैसे है ना, जैसे गैलियम आता है तो ठीक है, बैंगन है, ये आलू है ना, ये आता है, तो ये सेकंड आवर्त था, ये थर्ड आवर्त था है ना, ये फोर्थ आवर्त है, ठीक है। तो मित्रों ये कौन सा आवर्त है? ये अपना आवर्त है फोर्थ आवर्त। कौन सा आवर्त है? फोर्थ आवर्त। ये कौन सा आवर्त है? फिफ्थ। ये कौन सा है? सिक्स्थ। और ये अपूर्ण है वो कौन सा आवर्त है? सेवंथ आवर्त है, ठीक है। तो मित्रों अब मैं क्या लिखाऊं है ना, ये नीचे वाली लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ध्यान दो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, ये मैंने कंप्लीट डी ब्लॉक आपके सामने बना दिया। देखो डी ब्लॉक में ध्यान क्या रखना है मित्रों, डी ब्लॉक में ये ध्यान रखना है कि यहां से जो शुरू होता है ये है ना, अपन डायरेक्ट ये नहीं करें कि फर्स्ट बी से शुरू नहीं कर दी कहीं, ये थर्ड बी से शुरू करते हैं, ठीक है। और इस ये होता है तीसरा वर्ग, ये होता है चौथा वर्ग, ये होता है पांचवा, ये होता है छठवा, ये होता है सातवा, ये होता है आठवा वर्ग, ये होता है नौवा वर्ग, ठीक है, ये होता है दसवा वर्ग है ना, दसवा। तो ये तीनों वर्ग इसमें है ना आठ में आते हैं, उद्वादर स्तंभ आठ में आते हैं, और है ना किसकी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अनुसार, ये दस तो ये हो गया मित्रों ग्यारह और ये हो गया बारह, ठीक है। ये मित्रों डी ब्लॉक है कंप्लीट। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, ध्यान देना एक बार, देखो ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, और इसको बोलते हैं 5D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 5D श्रेणी। और इसको बोलते हैं 6D श्रेणी। क्या बोलते हैं मित्रों? 6D श्रेणी। अब मित्रों यदि आपसे कोई ये पूछे 3D श्रेणी कहां से कहां शुरू होती है, तो आप क्या लिखोगे मित्रों? देखो मैं आगे लिख रहा हूं 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी मित्रों? 3D श्रेणी। अच्छा शुरू किससे हो रही है? ध्यान देना, देखो ये शुरू हो रही है मित्रों है ना स्कैंडियम से। ये कितने नंबर पर आता है? स्कैंडियम 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21। और इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10। तो ये कितने नंबर पर आएगा? 30 पर, ठीक है। अब मित्रों ये यदि 21 हैं तो ये है ना ईट्रियम कितने पर आएगा?
तो ये होगा मित्रों 21 में है ना, कितना जोड़ोगे आप है ना, 18 जोड़ दो तो ये 39 होगा इसका है ना एटॉमिक नंबर, और इसमें कितना जोड़ दो फिर से आप 18 फिर से जोड़ दो तो ये हो गया 57, ठीक है, और 57 में 32 जोड़ने पर ये आ बनता है 89, तो 89 कितने पर होगा है ना, ये होगा 89 नंबर पर। अब मित्रों यदि बात करें है ना, ये यदि 30 नंबर पे है ना, और है ना कैडमियम कितने पर होगा, ठीक है, इसके अंदर है ना ये 39 है, ठीक है, 39 से 10 तो ये होगा मित्रों 39 से कितना होगा है ना 10 जोड़ेंगे अपन इसमें तो ये है ना ये 10 तत्व तो आगे तो ये 48 होगा, कितना होगा मित्रों 48, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये होगा मित्रों 48, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये कितने नंबर तक होगा एच जी, ये होगा 80 पर, क्यों, क्योंकि मित्रों ये कितने से स्टार्ट हो रहा है 57 से, और मित्रों 57 पर क्या है लेंथेनाइड, तो 57 से आगे मित्रों है ना 4F श्रेणी आती है, ठीक है, और वो तत्व होते हैं 58 से लेकर के 71 तक के, तो ये फिर किससे शुरू होता है 72 से, किससे शुरू होता है 72 से, तो ये फिर 80 तक चलती है श्रेणी, ठीक है। और मित्रों है ना, और यदि हम बात करें इसको अब लिखे कि 3D श्रेणी कहां से कहां चलती है, ठीक है, आप सबके नंबर लिख सकते हो मित्रों, क्योंकि तरीका समझा दिया आपको, मैं ये कह रहा हूं मित्रों है ना नेक्स्ट स्लाइड पर 3D श्रेणी कहां से कहां चलती है, तो एक बार देख लो, देखो 3D श्रेणी में SC21 से लेकर जिंक 30 तक चलती है, क्या कह रहा हूं मित्रों 3D श्रेणी ये है SC21 से लेकर जिंक 30 तक चलती है। यदि मित्रों हम बात करें 4D श्रेणी की, किसकी बात करें 4D श्रेणी की, ठीक है, तो 4D श्रेणी के बारे में क्या कहूंगा मित्रों, जो 4D श्रेणी है, ठीक है, उसके अंदर देखो एक बार 4D श्रेणी है ना यहां से चल रही है 39 से लेकर 48 तक है, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं मित्रों है ना, ये चल रही है 39 से लेकर है ना कैडमियम 48 तक है। और मित्रों यदि मैं 5D श्रेणी की बात करूं, किसकी बात करूं 5D श्रेणी की, ठीक है, तो मित्रों इसके लिए मैं क्या कहूंगा, इसके लिए मैं ये कहूंगा ये श्रेणी शुरू होती है लेंथेनाइड है ना, और ये 57 से, और वापस फिर शुरू होती है हाफ नियम, ठीक है, 72 से लेकर, ठीक है, HG80 तक चलती है, ठीक है, ये है। अब मित्रों ये तो है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D, देखो पूछने को 60 के बारे में पूछ सकता है, लेकिन खैर इतना ध्यान रखना ये बहुत है ना, वो नहीं पूछेगा। अब देखो एक बार ध्यान देना मित्रों है ना, इसके बारे में बना सकते हैं अपन है ना, ZNCDHG है ना, इतना पर्याप्त है मित्रों। अब मैं ये बता रहा हूं ये अपना डी ब्लॉक हो गया, अब देखो डी ब्लॉक के बारे में कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डी ब्लॉक के बारे में देखो एक बार ये देखो है ना, ये देखो जो 12वां वर्ग होता है ZNCDHG, इसका तो क्या होगा ड्यूप कोष कंप्लीट पूर्ण होगा, तो मित्रों इसलिए ये तो संक्रमण तत्व नहीं है। और मित्रों CU AG AU, ये मित्रों इसका सिक्का धातु वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉपर का, सिल्वर का, ओरम का, गोल्ड का, ये बनते हैं ना। और मित्रों एक चीज और ध्यान रखना है ना, जैसे है ना इसके अंदर ये जो IR इरिडियम आता है ना, इसका जो घनत्व होता है वो ओस्मियम से ज्यादा होता है, हालांकि अपने प्राचीन टाइम से ये अपन है ना ऐसा होता है कि ओस्मियम का घनत्व सर्वाधिक होता है, मगर मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है, NCERT में ये दे रखा है कि इरिडियम का ओस्मियम से ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा है ना, और है ना कि इरिडियम का घनत्व क्या होता है, ओस्मियम से अधिक होता है। चलो मित्रों मैं ये चीजें लिख देता हूं एक बार है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, मैं ये लिख रहा हूं मित्रों, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं मित्रों कि है ना एक बार ये संक्रमण वाला लिख दिया क्या, देखिए ये देख लेते हैं, फिर लिखता हूं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये तो लिख लिया, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है ड्यूप कोष अपूर्ण होता है। चलो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर ये लिखते हैं, ठीक है, ZNCDHG को, ठीक है, ZNCDHG का डी उपकोष का डी उपकोष पूर्ण पूरी थी होने के कारण
जेड एल सी डी एजी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, वो भी ध्यान देना, ये जेड एन सी डी एजी की बात कर ली, अब ये कह रहा हूं मित्रों सी यू ए जी ए यू अर्थात ग्यारहवें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, सिक्का धातु वर्ग कहते हैं, ठीक है, सिक्का धातु वर्ग कहते हैं। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूं अगली, है ना, कि है ना इरिडियम का घनत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होता है, इस कारण से, ठीक है, होता है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे मित्रों क्या है, कई बार इरिडियम और ओस्मियम में पूछ लेता है ये किसका क्रम है मित्रों, इनके घनत्व का क्रम, किसका क्रम है मित्रों, ये है इनके घनत्व का क्रम है, 3D श्रेणी बता दी, 4D श्रेणी बता दी, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे थे मित्रों कुछ, है ना, ब्लॉक्स पढ़ रहे थे जिनको बोहर ने बांटा था, एस ब्लॉक पढ़ा दिया, पी ब्लॉक पढ़ा दिया, डी ब्लॉक पढ़ा दिया, हमने छोड़ा इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस, और मित्रों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस की बात करें तो मित्रों हर एक तत्व का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया गया था, तो यहाँ वापस से वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैंने तो कि शॉर्ट में कैसे लिखे, इसके लिए मित्रों मैं एस ब्लॉक के बताया था, कुछ कुछ पी के भी बताया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के कंप्लीट एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका मित्रों। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, आगे की चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद।